20 अक्टूबर को महिलाओं ने करवा चौथ मनाया। ये सुहागिन महिलाओं का सबसे खास त्योहार होता है। महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर पूजा अर्चना की और 16 श्रृंगार कर ये त्योहार मनाया। देश भर में इस त्योहार की रौनक देखने को मिली, जहां दिन भर निर्जले व्रत के बाद सुहागिनों ने रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अर्घ्य देकर पूजा की और इसी के साथ करवा चौथ का व्रत संपन्न हुआ। पत्नी होती है अपने पति के लिए व्रत रखती है, इसका मतलब यह है कि उनकी पति की लंबी आयु के लिए रखती है। जितने दिल से विधि विधान से व्रत करेगी उसके मन में ये धारणा है कि मेरे पति की लंबी आयु होगी, 7 जन्म तक इकट्ठे रहेंगे, हमारे 7 जन्मों को हमारा साथ रहेगा, हमारी उनकी लंबी आयु होगी। उसके लिए पूरा दिन खाना नहीं है, पानी नहीं पीना है, व्रत रखना है, बस पूजा करनी है। हाँ, सुबह उठ के इसका मतलब है कि जो सासें होती हैं अपनी बहुओं को सर्गी देती हैं, सुबह उठ के सर्गी खानी है, फिर उसके बाद व्रत रखना है पूरा दिन, शाम को चंद्रमा को अर्घ दे के फिर व्रत तोड़ना है, पति को चंद्रमा के आगे खड़े करना है, चांदनी में से उनको देखना है, दोनों की देख के फिर व्रत तोड़ना है, उनके हाथ से पानी पीना है तो व्रत तोड़ना है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.